उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। सूबे में बारिश आसमान से आफत बनकर बरस रही है। एक तरफ जहां सड़कें धंस गईं, घर और दुकानें बह गईं, वहीं अब नदी नाले भी उफान पर हैं। बारिश की वजह से कई लोगों की जान भी चली गई और कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने बताया कि 2 अगस्त को देहरादून सहित कई जिलों में बारिश हो सकती है। फिलहाल देघाट में नदी का जलस्तर बढ़ने से गौशाला में पानी भर गया, जिसमें गाय डूब गई। देघाट पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना गहरे पानी में उतरकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और गाय को सुरक्षित निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जनता का पूरा सहयोग मिला। दूसरी तरफ केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर भीमबली क्षेत्र में जहाँ बादल फटने की सूचना थी, वहाँ से 2 पुल पानी में बह गए। पैदल यात्रा मार्ग पूरी तरह से वॉश आउट हो गया। ये स्थान रामबाड़ा से थोड़ा पहले है। बता दें, रामबाड़ा 2013 की आपदा में नक्शे से पूरी तरह से मिट चुका है। बीती रात केदारनाथ से सोनप्रयाग बारिश के पानी ने जो तांडव मचाया है, उससे सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच कई जगह सड़क का नामोनिशान मिट चुका है। पैदल मार्ग को भी जगह जगह नुकसान पहुंचा है। फिलहाल ये कहना मुश्किल होगा कि कब केदारनाथ की यात्रा सुचारू होगी, यानी फिर से कब शुरू हो सकेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 2 अगस्त को सूबे के देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और उद्धम सिंह नगर के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। साथ ही देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और नैनीताल जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है।